नमस्कार, समाचार दिन में आपका स्वागत है। खबर मुजफ्फरनगर के भोपा से है, जहां लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। चौकी प्रभारी लेखराज सिंह व कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, जिला चिकित्सालय ले जाया गया। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना की घटना, भारी पुलिस मौके पर। समाचार गृह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन को एनफोर्समेंट करा रही है पुलिस, तो उसमें ही हमारे मोरना जो थाना भोपा में आता है, मोरना चौकी इंचार्ज और उनके साथ दो कांस्टेबल्स थे। मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफ़ी भीड़ थी, तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियाँ बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे, और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें। तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं, उनकी दो पत्नियां थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों के लिए अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। हालत कैसी है सर, गंभीर जो है? सब इंस्पेक्टर हैं हमारे, वो क्रिटिकल हैं, उसके अलावा दो कांस्टेबल्स हैं, उनको भी चोटें आई हैं, बट वो ठीक हैं। सब इंस्पेक्टर को मेरठ रेफर किया गया है। कितनी गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? इसमें अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है। जो पूर्व प्रधान जिसका वो घर था, वो गिरफ्तार हुआ है, उसके लड़कों की जो पत्नियां थी, जो महिलाएं इसमें शामिल थी, दो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। टोटल 3 गिरफ्तारी हुई हैं, बाकी हमारी टीम अभी लगी हुई है गिरफ्तारियां करने में। क्या कारण है जो ऐसा हुआ? देखिए, वो सारी चीज़ें भी चेक की जा रही हैं, चेक करके आपको।